हाँ तो दोस्तों, अगर आप लैपटॉप नया लेते हो या फिर पुराना लेते हो, उनके अंदर तीन दिक्कतों का सामना आपको ऑब्वियसली करना पड़ सकता है। पहली है हीटिंग। दोस्तों यहाँ पे जो हीटिंग होने का कारण है वो है फिजिकल। कहने का मतलब ये है आपके लैपटॉप में धूल घुसी हुई है या फिर उसका थर्मल पेस्ट सूखा हुआ है। वेल, थर्मल पेस्ट नए लैपटॉप का तो नहीं सूखेगा, बट जो आप सेकेंड हैंड लैपटॉप ले रहे हो या फिर आपका लैपटॉप जो है वो 3 साल पुराना हो गया है, 3 साल से ज़्यादा, तो हीटअप हो रहा है। तो दोस्तों इसके दो ही कारण हैं। अब हम पहले कारण की बात करते हैं, आखिर डस्ट का वजह से आखिर हमारा लैपटॉप हीट क्यों होता है। तो दोस्तों पहला जो कारण है डस्ट एक्यूमुलेशन का, वो ये है कि जो हमारी फिन्स होती हैं ना, जैसा कि आपने लैपटॉप के पीछे की तरफ देखा हो, जो पतली पतली सी पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों के आगे की तरफ जो पंखा हवा खींचता है ना बाहर निकालने के लिए, तो धूल होती है। जैसे हमारे छत के पंखे पे धूल जम जाती है, ऐसे ही वहाँ पे पंखे के ऊपर तो धूल नहीं जमती है, लेकिन जो फिन्स होती हैं ना उनके उनके अंदर वाले किनारों पे धूल जम जाती है, जिसकी वजह से वो जमते जमते ना पूरी तरीके से हवा को ब्लॉक कर देती है। आपने देखा होगा कि पहले जब लैपटॉप आता है तो जब पंखा तेज घूमता था तो हवा भी बहुत तेज फेंकता था, लेकिन 2-3 साल बाद उसका जो हवा फेंकने का जो रफ्तार है ना वो कम हो जाती है। उसका कारण यही है कि वहाँ पे जो है ना वो धूल जम गई है, जिसकी वजह से जो हीटेड एयर है ना, गर्म हवा है, वो बाहर नहीं आ पा रही है। इसकी वजह से आपको ना लैपटॉप को खोल के वहाँ से फिन्स को हटाना पड़ेगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। कभी कभार ऐसा हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपके एनवायरनमेंट में ज़्यादा डस्ट है, हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा डस्ट होती है ऑब्वियसली साल भर, तो यहाँ पे ना ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आम हो जाती है। हाँ, अगर आप अपने लैपटॉप को एसी के अंदर और एकदम पैक्ड कमरे में इस्तेमाल करते हो तो हो सकता है प्रॉब्लम 4.5 साल बाद हो, लेकिन अगर आप अपने लैपटॉप को ओपन में खुली हवा में इस्तेमाल करते हो तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये 1.5 साल में बहुत ईजिली हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम की तरफ। अगर आपके लैपटॉप को 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, मैं जबकि बात कर रहा हूँ जब आप अपने लैपटॉप पर गेम ज़्यादा खेलते हो, मतलब कि 4-5 घंटे रोजाना गेम खेलते हो या फिर मतलब कि गेम 2-3 दिन में खेलते हो लगभग, क्योंकि जब आप गेम खेलते हो ना तो आपका जो लैपटॉप है वो ज़्यादा हीटअप होता है, जिसकी वजह से जो थर्मल पेस्ट है ना उस पर ज़्यादा असर पड़ता है। अब थर्मल पेस्ट क्या होता है दोस्तों? थर्मल पेस्ट ना आपके हीट सिंक और प्रोसेसर के बीच में लगा हुआ एक पेस्ट होता है, जिसकी वजह से जो प्रोसेसर की गर्मी है ना वो आपकी हीट सिंक तक पहुंचती है। अब वो लगा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों जो प्रोसेसर है आपका वो सिलिकॉन चिप है और जो ऊपर वाला मेटल है, अब उनके बीच में ना कांटेक्ट करने के लिए हमें एक पेस्ट चाहिए होता है। दोनों ही सरफेस प्लेन होते हैं एकदम, जिसकी वजह से उनको उनका कांटेक्ट करना ना बहुत मुश्किल है। वेल, आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा रफ होंगे, बट आप जानते हो अगर रफ सर्फेस होंगे तो एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे ढंग से। तो ये रीज़न है हमारा थर्मल पेस्ट को लगाने का। बेस्ट जो थर्मल पेस्ट है ना मार्केट के अंदर अवेलेबल, वेल, अगर आपके पास i5 या i7 है गेमिंग लैपटॉप में, तो थर्मल ग्रीजरी क्रायोनॉट लेना। लिंक मैंने नीचे दे रखी है, वहाँ से जाके उसे चेकआउट करो और लोगों के रिव्यू पढ़ो आखिर वो क्या कहते हैं। और ध्यान रखना, थर्मल ग्रीजरी क्रायोनॉट लेने के पीछे एक और कारण है, वो सबसे सस्ता थर्मल पेस्ट है और बहुत ज़बरदस्त ब्रांड का है। उसकी कीमत अभी इंडिया में सस्ती चल रही है, 700 रुपये के लगभग, बट आपको जो उससे परफॉर्मेंस मिलेगी ना वो सबसे बेस्ट मिलेगी। उससे ठंडा ज़्यादा कोई भी थर्मल पेस्ट आपके लैपटॉप को नहीं कर पाएगा। तो आपके पास i5 या i7 है तो वही लेना, वरना फिर आप कूलर मास्टर जेल प्रो ले लेना, अगर आपके पास i5 सिंपल लैपटॉप है या फिर कोर i3 लैपटॉप है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम की तरफ। तो दोस्तों जो हमारी अगली प्रॉब्लम है ना वो मोस्टली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना लैपटॉप 2 साल पहले या फिर 5 साल पहले, 4 साल पहले लिया था। वेल, 2 साल पहले इसलिए कि 2 साल पहले भी मार्केट में SSD चलनी स्टार्ट नहीं हुई थी इतनी ज़्यादा जितनी आज चलती हैं। वेल, ये जो प्रॉब्लम है ये है लैपटॉप का स्लो होना। वेल, दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका लैपटॉप 4-5 साल पुराना हो चुका है स्लो पड़ेगा, क्योंकि जो हार्ड ड्राइव है ना हमारी वो इतनी तेज़ी से काम नहीं कर पाती जिस तरीके से आजकल के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ वगैरह हो गए हैं, क्योंकि उन्हें क्या होता है ज़्यादा बहुत ज़्यादा डाटा की छोटी छोटी फाइल चाहिए होती हैं अलग अलग जगह से, जिसकी वजह से जो रैंडमनेस है ना डाटा को एक्सेस करने की वो हार्ड ड्राइव की बहुत कम होती है, जैसा कि आप बेंचमार्क्स में देख पा रहे हो, जिसकी वजह से ना आप अपनी हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करके SSD में बना लो और जो हार्ड ड्राइव है ना उसे आप अपनी एक्सटर्नल ड्राइव बना लो केसिंग में डाल के। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसे आप इजीली कर सकते हो। किसी भी लैपटॉप की हार्ड ड्राइव बहुत इजीली निकल जाती है अपने लैपटॉप को खोल के, और ज़्यादातर तो बे दे रखी होती है पीछे की तरफ छोटी सी ट्रे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। मैं अपने गेमिंग लैपटॉप में अगर नीचे की बे खोल दूँ तो अपनी रैम, SSD और हार्ड ड्राइव में तीनों एक्सेस कर सकता हूँ एक साथ। बट अगर आपका सिंपल लैपटॉप है, 4-5 साल पुराना पहले आपने लिया था, उसके अंदर गेमिंग लैपटॉप नहीं है, तो आपको सिर्फ हार्ड ड्राइव और रैम ही अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। तो जो आपका सिंपल लैपटॉप है उसके अंदर जो SSD डलेगी ना वो साटा SSD डलेगी, चौकोर टाइप की जो आती है। तो दोस्तों उस SSD को आप खरीद लिए, लिंक मैंने दे रखी है। उसके बाद जो आपका लैपटॉप है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, आपको ऐसा लगेगा ना जाने आपने कितना
नया लैपटॉप ले लिया और कितना महंगा लैपटॉप ले लिया, आप सोच भी नहीं सकते हो कि प्रोसेसर जो होता है लैपटॉप का बहुत ताकतवर होता है और बहुत फास्ट चलता है, बट हमारी जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं वो मैकेनिकल होती हैं, जिसकी वजह से जो पूरे लैपटॉप की स्पीड है ना वो हार्ड ड्राइव पे आके अटक जाती है। दोस्तों आप ना अगर नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हो बस इस वजह से कि पुराना लैपटॉप स्लो चलता है, आप जरा एक बार SSD लेके देखिए और फिर जरा नज़ारा देखना, जो जादू होने वाला है ना लैपटॉप पे, बस मज़ा आ जाता है उसके बाद। क्योंकि ध्यान रखना, जितने लोगों को मैंने अब तक अपग्रेड कराया है SSD के साथ, जो मेरे फ्रेंड्स थे वो चौंक गए हैं सारे के सारे। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम की तरफ। दोस्तों ये उन लोगों के लिए स्पेशली जो कि सेकेंड हैंड लैपटॉप लेना चाहते हैं या फिर फर्स्ट हैंड भी लैपटॉप लेते हैं, तो उन्हें डर लगता है कि आखिर लैपटॉप में कुछ खराब हुआ तो मुझे कैसे पता पड़ेगा। तो दोस्तों उसकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, बहुत सिंपल है। दोस्तों जब आप अपने लैपटॉप को स्टार्ट करते हो ना, फर्स्ट हैंड लैपटॉप हो या फिर सेकेंड हैंड लैपटॉप हो, उस लैपटॉप को स्टार्ट करते वक्त आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा BIOS सेटअप का F12 से और F2 से बूट ऑप्शन का। तो दोस्तों आपको इन में से BIOS का जो सेटअप है ना उसके अंदर जाना है, वहाँ आपको जाके एक चेकिंग करने का प्रोसीजर मिलता है जो कि आपके सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, हार्ड ड्राइव, प्रोसेसर, रैम, वाईफाई, ब्लूटूथ, स्पीकर्स, डिस्प्ले, कीबोर्ड, वो सबको चेक करेगा थोरोली और आपसे पूछता रहेगा कंपोनेंट वो सही से फंक्शन कर रहा है आपकी आंखों के सामने। आपको यस यस करते रहना है और इसमें थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन प्रोसीजर है उन लोगों के लिए जो सेकेंड हैंड लैपटॉप लेना चाहते हैं या फिर जो डरे हुए रहते हैं फर्स्ट हैंड लैपटॉप लेते वक्त, क्योंकि ना जानकारी कम होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये जो बटन है ना F10, F12, ये अलग अलग हो सकते हैं हर एक लैपटॉप के, बट आपको कोने में लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे लैपटॉप स्टार्ट होता है आप उस बटन को दबाइए, अंदर जाइए और पूरे लैपटॉप का जो चेकिंग प्रोसीजर है उसे स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, आप जरा देखते रहिए किस किस ऑप्शन पर जाना है, तो वहाँ से आप इजीली से कर पाओगे। बट ध्यान रखना ज़्यादा ऑप्शंस को मत छेड़ना, क्योंकि ये जो होता है ये मास्टर ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने किसी ऑप्शन को यहाँ से छेड़ दिया तो दोबारा आपको यहीं से उसे सही करना पड़ेगा, आप अंदर से विंडोज़ के सही नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो अपने लैपटॉप की परेशानी को भुगत रहे होंगे। शायद ये परेशानी मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा होती है मोस्टली लैपटॉप के अंदर, 80% लैपटॉप के अंदर यही 3 परेशानी मिलती हैं दोस्तों मेजरली। तो दोस्तों इनको मैंने कवर करा इस वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाना। टिल देन एन्जॉय, चीयर्स, हैव अ नाइस डे।